सर्वप्रथम मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शनी चंद्रयान या 1 से लेकर के 3 तक आज अप टू डेट नॉलेज प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। और इसमें जैसा कि अभी डीन रिसर्च स्टडीज़ प्रोफेसर रजनीकांत जी ने बताया कि ये सिर्फ फैकल्टी हमारी मेंटरिंग का काम की है, इसको मूर्त रूप अगर प्रदान किया है तो बच्चों ने किया है फिजिक्स डिपार्टमेंट के। और मुझे लगता है कि इससे एक सपना स्पेस रिसर्च को लेकर के हम जगाना चाहते हैं हमारे बच्चों में, जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के या इलेक्ट्रॉनिक साइंस डिपार्टमेंट के बच्चे हैं या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के बच्चे हैं या मैथमेटिकल साइंस डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, वो एक स्पेस रिसर्च मिशन को लेकर के एक सपना सजाएं। और इसरो के साथ जम्मू यूनिवर्सिटी की बातचीत हुई है, मैं चाहूँगा कि ये डिपार्टमेंट्स इसरो के साथ मिल करके कुछ प्रोजेक्ट करें और इस बच्चों के सपने को साकार करने में मूर्त रूप प्रदान करें। ये हमारे आदरणीय वाइस चांसलर साहब का प्रपोजल था कि हम एक ऐसी चंद्रयान यात्रा का यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगाएं जिससे बच्चों को पता चले कि तीनों चंद्रयान मिशन जो थे उसमें क्या क्या उसके सेलियंट फीचर्स थे। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के रिसर्च स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर ये प्रदर्शनी बनाई है जिसको हमने सिर्फ सुपरवाइज किया है, और ये तभी पॉसिबल हो सका है जब वाइस चांसलर साहब ने इस प्रपोजल के लिए हमें फंडिंग भी दी और अपनी कंसेंट भी दी, और उसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये प्रदर्शनी 2 दिन खुली रहेगी, कल शाम 5 बजे तक कोई भी सिविल सोसाइटी से बच्चे लोग या यूनिवर्सिटी के जो भी हैं वो आएंगे और इसका पूरा विजिट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे साइंसदानों ने इस मिशन को अचीव किया है। माय नेम इज़ शीतल एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। आई एम सो हैप्पी दैट इंडिया हैज़ अटेन्ड सच अ अचीवमेंट दैट वी हैव लैंडेड ऑन मून एंड ऑन द साउथ पोल। दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, नोबडी हैज़ डन दैट बिफोर। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री दैट हैज़ लैंडेड ऑन मून साउथ पोल। इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया। हु नोज दैट इंडिया इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स हु वॉज जस्ट नोन बिफोर फॉर इट्स स्पाइसिस विल एंड अप लैंडिंग ऑन साउथ पोल। थैंक यू सो मच। मेरा नाम निधि है। सो अच्छा, तो चंद्रयान मिशन जब कंप्लीट हुआ तो खुशी तो होती है एक कि आपका नेशन जब कुछ अचीव करे तो उसकी खुशी तो डेफिनेटली होती है, पर इससे हम सीख सकते हैं कि हम अपने फेलियर से कैसे सीखें और अच्छी मेहनत करके जो पुराना आउटपुट है उससे भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सामने लाएँ। और यही कहना चाहता कि हमें कैसे साइंस में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इसरो ने काफ़ी कम बजट होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो हमें उन पर और भी विश्वास करना चाहिए, हमें और उनको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है ताकि वो और भी अच्छे माइलस्टोन अचीव कर सके आगे चलकर।